इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक तरफ कोरोना आलमी वबा की तीसरी लहर, तो कभी दूसरी लहर की बात कही जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर कुछ लोग काफ़ी परेशान नजर आए, ख़ास तौर पर अगर बेलगाम शहर की बात कहें तो। माशरे के मुख्तलिफ मसाइल पर तवज्जो देने के बदले वैक्सीनेशन की फिक्र कुछ लोगों को काफ़ी सता रही है, लिहाजा मीटिंगों मशवरों इजलासों का दौर भी जारी है। खैर, कोरोना मर्ज को लेकर कुछ लोग काफ़ी संजीदा हुए हैं। किसी तरह से शायद माशरे की आवाम इस मर्ज से बचे रहे, यही इनकी कोशिश हो सकती है। कईयों ने तो वैक्सीनेशन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल कर एक तरह से हुकूमत के कामों में अपना योगदान देना जारी रखा है। खैर, अब ज़मीनी इंतखाबात का दौर जारी है, लिहाजा रोड शो आवामी इजलासों का होना सियासत में ज़रूरी होता है। आवाम के लिए तो होली, शब बारात, गुड फ्राइडे के लिए कुछ हिदायतों को देते हुए तादाद को तय भी किया जा रहा है कि कितने लोग शरीक हो सकते हैं वगैरह। मरीजों की तादाद बढ़ने की खबर भी हर रोज आ रही है। बेलगाम लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया गया। भाजपा और कांग्रेस के दरमियान सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। पिछले 17 सालों में शायद भाजपा के लिए पहली मरतबा सतीश जारकिहोली के तौर पर तगड़ा मुकाबला करने के लिए उम्मीदवार मिला है। सतीश जारकिहोली ने सहाफियों से मुखातिब होते हुए पीर के रोज अपनी उम्मीदवारी दाखिल करने का ऐलान किया। जाहिर है, सैकड़ों चाहने वालों की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन के साथ उम्मीदवारी दाखिल की जा सकती है। अब जब कांग्रेस के हजारों कारकुनान शरीक होंगे तो जाहिर है भाजपा वाले भी पीछे नहीं रहेंगे, वो अपनी कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। एक और मसला जो मुल्क सतह पर पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में है, जिसे मीडिया और दिगर इख्तदार पजीर हुकूमत की हिमायती जान बूझ कर नजरअंदाज कर रहे हैं, वो है किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलन बेलगाम पहुंच चुका है। तमाम किसान तंजीमी इदारों की जानिब से 31 मार्च को किसान महापंचायत का बड़ा आवामी इजलास मुनक्कित किया गया है, जिसमें किसान एहतजाज का भारत का सबसे बड़ा चेहरा राकेश सिंह टिकैत बेलगाम तशरीफ ला रहे। बेलगाम किसान कई बाबा गौड़ा पाटिल ने आज इसका ऐलान करते हुए सीधे सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कोरोना के आड़ में या किसी तरह की सख्तियां किसानों के ट्रैक्टरों पर की गई है, इन्हें हिरासा किया गया, तो मामले को इंतजामिया ही जिम्मेदार होगा। हासिल इत्तला के मुताबिक तकरीबन 50,000 से भी ज्यादा किसान बेलगाम सिपिड मैदान में जमा होने वाले। बाबा गौड़ा पाटिल ने यह भी कहा है कि तकरीबन उत्तर कर्नाटक से 130 किसान पंचायतों की हिमायत हासिल हुई। जाहिर है पूरे मुल्क में मोदी हुकूमत के खिलाफ राकेश सिंह टिकैत घूम फिर कर माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है बेलगाम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को हो सकता है। जेडीएस के किसी भी उम्मीदवार के नाम का अब तक ऐलान नहीं किया गया। अगर जेडीएस भी अपना उम्मीदवार उतारती है तो यकीनन वोटों की तकसीम का फायदा भाजपा को हो सकता है। बेलगाम और अतराप में जेडीएस का रसूख उस लिहाज से काफी कम है, लिहाजा आज कन्नड़ साहित्य भवन में किसान महापंचायत पर बाबा गौड़ा पाटिल ने किसानों के तीन काले कानून जो मोदी हुकूमत ने मंजूर किए हुए हैं, MSP पर सख्त एहतजाज करते हुए मोदी हुकूमत की मुखालफत की बात कही। उन्होंने रोक लगाने वालों पर सवाल पूछते हुए कहा कि हथियार लेकर हम महापंचायत में शरीक नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने आवाम की आवाज को दबाने की कोशिश की, यहां तक के पत्रकारों, सहाफों को इंसानी हुकूक कारकुनान पर ज्यादती की जा रही। मोदी सरकार ने बोलने के अपने ख्यालात का इजहार करने की आजादी को भी छीन लिया। यह मुल्क आजाद हुआ और इस आजादी के लिए लोगों ने अपने जानों के नजराने पेश किए, लिहाजा अभी अभी इख्तदार पजीर हुई यह सरकार सब कुछ बदलने पर आमादा है, जिसे हम होने नहीं देंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। खैर, बेलगाम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोरोना गाइडलाइन पर अमल कुछ कम ही होने वाला है, ऐसी तस्वीर तो नजर आ रही है। वैसे भी अक्सर कहा जाता है कि कोरोना सियासी इलाकों में गायब हो जाता है, तो इस बार भी शायद कहीं नजर नहीं आएगा। बहरहाल, चुनाव के बाद फिर सख्तियां आयद की जा सकती है, क्योंकि शायद कोरोना ने कसम ही खा रखी है कि तकलीफ सिर्फ आवाम को ही देना है, सियासी लीडरों को नहीं। क्या इन तमाम सियासी इजलासों पर सख्ती बरती जाएगी, ऐसा भी आवाम की जानिब से कहा जा रहा है। 31 तारीख को किसानों की जानिब से होने वाली महापंचायत के मद्देनजर किसी भी तरह की पुलिस रुकावट को नजरअंदाज करके महापंचायत को कामयाब करने का फैसला आज कन्नड़ साहित्य भवन में किया गया। इस वक्त तमाम किसान कायद यहां पर मौजूद थे, जिसमें साबिक वजीर बाबा गौड़ा पाटिल, AT गंगाधर,
चुक्की नंजुंडा स्वामी कल्याण राव मुचलंबी शिव नारायण जोगीना आम आदमी पार्टी के अरविंद कापाड़िया यूथ विंग के जनाब अब्दुल तवाब शेख और दिगर जिम्मेदारान शरीक रहे। मट्ट मदलो नम रैत मुखंड यदुवीर सिंग अवरनु सरकार दवरु निन्ने अरेस्ट माडिदरु पत्रिकागोष्ठी नडेदाग अरेस्ट माडिदरु ಇದೇನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೋ ಅಥವಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಆಡಳಿತವೋ ಅಂತ ಕಸನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು? ಯದುವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ನಡೀಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಇಚ್ಛೆ. ಕೇವಲ ಇದು ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಚಳವಳಿ ಅಂತ ಕಸಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮನಗೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಡೀ ದೇಶದ ರೈತರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಸಂತೇಳಿ ಟಿಕಾಯತ್ರವರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಮಹಾಪಂಚಾಯತಿಗಳು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಾಪಂಚಾಯತಿ ನಾಳೆ 31 ತಾರೀಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಡೀಬಾರ್ದು. ಅವರಿಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರೈತರು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಭಾಳಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆರ್ ಟಿ ಐ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಜಾರು ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ದಾಳಿ ಬಂತಲ್ಲ. ಇದು ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಏನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಬಳುವಳಿ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಸಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಇದನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕಸಂತನ್ನುವಂಥ ಹುಚ್ಚು ಭ್ರಮೆಗೆ ಬಂದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಿಡಿ ಮಾಮಲೆ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಹರ್ ರೋಜ್ ಕಿಸಿ ನ ಕಿಸಿ ಬಹಾನೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾಮಲೆ ಮಂಜರ್ ಆಮ ಪರ ಆ ಹಿ ರಹಾ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೇ ಸಿಡಿ ಮಾಮಲೆ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಕಾಫಿ ಸಖ್ತ ಅಲ್ಫಾಜೋ ಮೇ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಿ ಮಜಮ್ಮತ್ ಕರ್ತೆ ಹುಯೇ ಸಹೀ ಪುಲಿಸ್ ತಹಕೀಕ್ ಕಿ ಮಾಂಗ್ ಕಿ ಔರ್ ಕಹಾ ಕಿ ಪೂರೇ ಮುಲ್ಕ್ ಮೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುಲಿಸ್ ಕಾ ಅಪ್ನಾ ಏಕ ಅಲಗ್ ಮಕಾಮ್ ಹೈ ಇಸೆ ದಾಗ್ದಾರ್ ನಾ ಬನಾಯೇ ಕ್ಯಾ ಯಹ ಸಿಡಿ ಫರ್ಜಿ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಸಿಡಿ ಮೇ ಜೋ ಶಖ್ಸ್ ಇಸೆ ಎಡಿಟ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಲಿಹಾಜಾ ಮಾಮಲೆ ಕೋ ಸಿಯಾಸಿ ರುಸೂಖ್ ಕೆ ಜರಿಯೇ ಅಲಗ್ ಸಿಮ್ತ್ ಮೇ ನಾ ಲೇ ಜಾತೆ ಹುಯೇ ಪೂರಿ ಇಮಾನ್ದಾರಿ ಸೆ ತಹಕೀಕ್ ಕಿ ಜಾಯೇ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೆ ಇಸ್ ಬಯಾನ್ ಪರ್ ಪಲಟವಾರ ಕರ್ತೆ ಹುಯೇ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೇ ಸಾಫಿಯೋ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಮೇರೇ ಖಿಲಾಫ್ ಜೋ ಸಾಜಿಶ್ ರಚೀ ಜಾ ರಹೀ ಹೈ ಇಸ್ಕಾ ಪೂರಾ ಜವಾಬ್ ದಿಯಾ ಜಾಯೇಗಾ. ದೋನೋ ತರಫ್ ಸೆ ಮರ್ದ್ ನಾ ಮರ್ದ್ ಕಿ ಬಾತೋ ಕಾ ಭಿ ಇಸ್ತೇಮಾಲ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಲಿಹಾಜಾ ಅಬ್ ಜಿತನಾ ಖೇಲ್ ಖೇಲ್ನಾ ಥಾ ಅಬ್ ಅಸಲ್ ಖೇಲ್ ಮೈ ಖೇಲೂಂಗಾ ಐಸಾ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೇ ಕಹಾ ಹೈ. ಅಬ್ ದೇಹ ಮಾಮಲಾ ಜಾತಿ ತೌರ್ ಪರ್ ದೇಖಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಭಾಜಪಾ ಕೆ ಲೀಡರ್ ಭಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾಮಲೆ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಕೋ ಅಲಗ್ ಕರ್ತೆ ದೇಖಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ. ಆಜ್ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ನೇ ಇಸ್ ಪರ್ ಕಿಸಿ ತರಹ ಕಿ ರಾಯ್ ನಾ ದೇತೆ ಹುಯೇ ಅಪ್ನಿ ಜಗಹ ಲಿ ಹುಕೂಮತ್ ಕಿ ಜಾನಿಬ್ ಸೆ ಸಿರ್ಫ್ ತಫ್ಶೀಶ್ ಜಾರಿ ಹೈ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಹಿ ಜಾ ರಹೀ ಹೈ. ವಹಿ ದೂಸರಿ ತರಫ್ ಲಡ್ಕಿ ಕೆ ಬಯಾನಾತ್ ಕೆ ಮದ್ದೆನಜರ್ ಹಮದರ್ದಿ ಹಾಸಿಲ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇ ಕಹಿ. ವಹಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಿ ಗಿರಫ್ತಾರಿ ಕಿ ಮಾಂಗ್ ಕರ್ತೆ ದಿಖಾಯಿ ದೇ ರಹೇ ಲಿಹಾಜಾ ಅಬ್ ಯಹ ಇಖ್ತಲಾಫ್ ಶಿದ್ದತ್ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕರ್ತೆ ದೇಖಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ. एक महीने पहले हुए पिरनवाड़ी टीपू सुल्तान नगर में दो अफराधों पर चाकू और तलवार से जानलेवा हमला किया गया था और इस जुर्म में बेलगाम ग्रामीण पुलिस की जानिब से बरकत लियाकत अली काजी को गिरफ्तार किया गया. इस मामले में कुल 3 अफराधों पर मुकदमा दर्ज किया गया है. बरकत लियाकत अली काजी टीपू सुल्तान नगर ऐसा गिरफ्तार शुदा अफराध का नाम है. फूड फंडा होटल के सामने जगह के मामले को लेकर आज से रंजिश खूनरेजी में तब्दील हो गई. बरकत अली ने मुफीद रियाज मुजावर और रफीद रियाज मुजावर पर तलवार चाकू से हमला किया जिसमें वो शदीद जख्मी हुआ. इस वारदात के बाद में बरकत अली लापता था पर अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया. तफ्तीश जारी है. रमजान शब्बीर कामते हॉस्पिटल चिकोड़ी उम्र 27 मेसन यानी गौंडी का काम करता था जिसका बेरहमी से कत्ल किया गया जिसे लेकर चिकोड़ी में मौजूद जेर बहस रहा. रमजान शब्बीर कामते की शादी महज 1 साल पहले हुई थी और बीवी हामिला है. रमजान कामते किसी से ज्यादा मेल मिलाप या दोस्तों में नहीं रहा करता था. इसके कत्ल की वजह क्या थी इस पर पुलिस तहकीक जारी है.
आज खुसरो नगर महंतेश नगर में KYFC ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताही इजलास अमल में आया। तकरीबन 25 से भी ज्यादा टीमों ने अब तक इसमें शिरकत की है, लिहाजा आज से क्रिकेट मुकाबलों की शुरुआत अमल में आई। इस वक्त महंतेश नगर खुसरो नगर के तमाम जिम्मेदारान मौजूद रहे और उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया। इस वक्त मेहमानान की गुलपोशी फरमाई गई। जिम्मेदारों ने अपने ख्याल का इजहार करते हुए कहा कि पिछले कई सालों से मुख्तलिफ मजहब समाज माशरे के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, लिहाजा एक तरह से इत्तेहाद का यह मुजारा कहा जा सकता है। तमाम मेहमानों की मौजूदगी में क्रिकेट की शुरुआत हुई। पहला इनाम 33,000 और दूसरा इनाम 15,000 रखा गया है। बेहतरीन खिलाड़ियों को भी एजाज से नवाजा जाएगा। इस वक्त दस्तगीर नाईक अब्दुल करीम बागवान, अरुण पाटिल, मुश्ताक मुल्ला, प्रेम बालू, बालेकुंदरी, रवि कट्टी और एडवोकेट रहमान नदाफ मौजूद थे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अदाबी।